राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जल बोर्ड की लापरवाही देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको किशनगढ़ के कार मार्केट की दिखा रहे हैं, जहां पर यहां देखिए किस तरीके से पीने का पानी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ये पाइप जो है काफ़ी समय से टूटी है, जिससे कि रोजाना हजारों लीटर पानी जो है ऐसे ही बर्बाद होता है। यहाँ पर देखिए स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जो है जल बोर्ड को भी दी है, लेकिन इस पानी के बहते हुए पानी से देखिए किस तरीके से कीचड़ जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। क्योंकि पीने का पानी तो बर्बाद हो ही रहा है, वहीं आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें हम आपको किशनगढ़ के कार मार्केट की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से पीने का पानी जो हजारों लीटर पानी है किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखना होगा कि जल बोर्ड इस पूरे मामले को और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या कार्रवाई करता है। और सुनिश्चित तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। और सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। भाई साहब ने बताया महीना पर लगभग होता आ रहा है, इसको महीना हो गया है इसको, और इसकी जो शिकायत थी हर जगह की है, जैसे जल बोर्ड को की है, PWD की है, फलाना की है, MCDO की है, ऑल्टिकल जो की है, डीडी की है, लेकिन कोई करके राजी नहीं है। कहता हमारे नहीं आता डिपार्टमेंट में, वो कहता हमारे नहीं आता, आगे देखे चले। हाँ, ये कब से हो रहा है? ये तकरीबन सर एक मंथ हो चुका है इसको, और बुरा हाल है। गाँव में मेन सड़क है, पूरी की पूरी गली पूरा गंदा, लोगों का निकलना भारी हो रहा है, और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। क्या लगता है क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिस तरह से सभी लोग यहाँ पे पहुँचे? क्या है कि सारे संबंधित डिपार्टमेंट जो भी हैं इसे, वो कहते हैं MCD करेगी, MCD कहते हैं ऑल्टीकल्चर करेगा, ऑल्टीकल्चर कहते हैं DDA करेगा, DDA कहते हैं जी वो करेगा फलाना। हम तो सारी जगह हमने वो कंप्लेंट कर दी, बट ये नहीं हो पाया।